उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के शव को शुक्रवार शाम तक सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसके लिए पोस्टमार्टम से पहले शव के पंचनामा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। माफिया का बेटा उमर अंसारी भी पोस्टमार्टम दफ्तर के बाहर पहुंच गया। उसके साथ उसके परिवार वाले भी हैं। माफिया के भाई समेत और उसके अन्य कुछ परिजन बांदा नहीं आएंगे। एसडीएम सदर समेत 3 मजिस्ट्रेट के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्शन लाठी से लैस है। करीब 50 महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर है। सशस्त्र सीमा बल के भी 100 जवान पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बैरिकेडिंग भी कर दी है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। उसका शव रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। देर रात बेटे उमर अंसारी ने पिता को धीमा जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया था। कहा था कि उसे स्थानीय पुलिस प्रशासन और जेल अधिकारियों से न्याय की उम्मीद नहीं है। कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएगा। पिता को बीमारी के समय देखने तक नहीं दिया गया। अब शव को कंधा देने के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ ही उनके बड़े बेटे का हाल भी बेहाल है। बताया जा रहा है कि वो जेल के अंदर फूट फूट कर रोने लगा। इसी के साथ ही उनका छोटा बेटा भी भावुक नजर आया।